हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर इतिहास में पहली बार पाकिस्तान में मुस्लिम कर रहे इकलौते राम मंदिर का निर्माण। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, पाकिस्तान में बन रहा इकलौता राम मंदिर मुसलमान कारीगर बना रही इमारत। बताएंगे अचानक पाकिस्तान को क्या सूझा है दोस्तों, क्या भारत के साथ बेहतर बनाना चाहता है संबंध, सारी जानकारियां बताएंगे, एक ही चीज विस्तार से बताएंगे आपको। साथ ही साथ बताएंगे भारतीय सैनिकों को वापस भेजा लेकिन मौजूदा सरकार ने भारत को इस बात की मंजूरी, जिसके बाद चिढ़ गया चाइना। साथ ही साथ बताएंगे उत्तर प्रदेश में योगी की डिनर पॉलिटिक्स से हो गया सबसे बड़ा खेल, समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे पवन पांडे समेत इन 7 विधायकों ने बीजेपी को दे दिया वोट, अखिलेश यादव के साथ कर दिया बड़ा खेला दोस्तों, जिसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, इतिहास में पहली बार पाकिस्तान में मुस्लिम कर रहे इकलौते राम मंदिर का निर्माण। जी हां, 200 साल पुराना है इसका इतिहास। आपको बता दें अयोध्या में हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में भी एक विशाल मंदिर बना है जिनकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। इस सबके बीच पाकिस्तान में भी एक राम मंदिर बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये भले ही अयोध्या या अबू धाबी की तरह बड़ा नहीं है लेकिन वहां की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के लिए काफी अहमियत रखता है और आस्था का केंद्र है। पाकिस्तान के डेरा रहीम यार खान के रहने वाले माखन राम जयपाल ने अपने एक YouTube वीडियो में इस मंदिर का दर्शन कराया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी। माखन राम जयपाल के मुताबिक सिंध प्रांत के इस्लाम कोट में करीब 200 साल पुराना राम मंदिर है। आसपास की हिंदू आबादी के लोग यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पाकिस्तान का अकेला हिंदू मंदिर है जहां बकायदा पूजा होती है। इस मंदिर की इमारत काफी पुरानी होने की वजह से जर्जर हो चुकी है, ऐसे में अब इसके बराबर में ही नई मंदिर की नई इमारत बनाई जा रही है। इस नई इमारत को बाबर और जुल्फीकार नाम के 2 मुस्लिम युवक तैयार कर रहे हैं। माखन ने बताया है कि मंदिर बनाने में लगे कारीगरों के अलावा मजदूर भी मुसलमान ही है। इन लोगों ने कहा कि उनको अगले 6 महीने में मंदिर की नई इमारत बन जाने की उम्मीद है। इसके बाद जो मूर्तियां पुराने मंदिर में रखी गई है उनको पूरे विधान के साथ नई इमारत में विराजमान कर दिया जाएगा। इस मंदिर में भगवान राम जी, सीता माता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियों के अलावा भगवान श्री महादेव की मूर्ति भी स्थापित है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये वही पाकिस्तान है दोस्तों जिसने भारत में श्री राम मंदिर पर आलोचना की थी, यूएई में बन रहे मंदिर पर आलोचना की थी और अब पाकिस्तान में ये राम मंदिर बनने की खबर आ रही है दोस्तों, जो वाकई में हम सभी को चौंका रहा है कि आखिर पाकिस्तान क्या वाकई में भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश में है या कोई और बात। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा लेकिन राम मंदिर के लिए कमेंट में जय श्री राम कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सैनिकों को वापस भेजा लेकिन मौजूदा सरकार ने भारत को दी इस बात की मंजूरी, जिसके बाद चिढ़ेगा चीन। दरअसल मालदीव से जारी राजनयिक तनाव के बीच भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। मालदीव ने भारतीय पायलट को मालदीव में हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। मालदीव ने भारतीय पायलट को भारतीय नागरिक बताया है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्देश्यों से भारत द्वारा मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों का एक समूह मालदीव आ रहा है। मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दावली में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इसके अलावा मालदीव में मोहम्मद मुइजू की सरकार बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति मुइजू और उनकी पार्टी को चीन समर्थक बताया जाता है। राष्ट्रपति मुइजू की ओर से भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की मांग के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास देखने को मिली है। जी हां, मालदीव के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मालदीव में हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिक अड्डू शहर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन को हथियार सप्लाई के लिए भारत जर्मनी में सीक्रेट बातचीत, खोजी पत्रिका का सबसे बड़ा दावा दोस्त अब रशिया क्या करेगा। आपको बता दें जर्मनी की एक मीडिया आउटलेट ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के लिए भारत और जर्मनी के बीच सीक्रेट बातचीत चल रही है। यह रिपोर्ट जर्मन पत्रिका डेर स्पीगेल में छपी है जिसने जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। ऐसा बताया जा रहा है कि जर्मनी यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के साथ गुप्त बातचीत कर रहा है, जिससे भारत के यूक्रेन युद्ध को लेकर अब तक बनाए गए संतुलन की परीक्षा हो सकती है। माना जा रहा है कि यह खुलासा ये नई दिल्ली को मुश्किल स्थिति में डाल सकता है क्योंकि पुतिन के नेतृत्व वाले रशिया को अलग थलग करने वाले वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद मॉस्को के साथ भारत के संबंध लगातार फल फूल रहे हैं। जी हां, जर्मन मीडिया ने एक खुलासा उस वक्त किया जब रणनीतिक तौर पर काफी अहम माने जाने वाले यूक्रेनी शहर अवदिवक्का पर इस महीने रशिया ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, दुनिया को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गया चाइना। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI में लग गया ग्रहण, बौखलाया ड्रैगन। जी हां, दुनिया को कर्ज के जाल में ढकेल रहे चीन के
के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंस गया है। यही वजह है कि बीआरआई पहली बार देश के भ्रष्टाचार रोधी निकाय की जांच के दायरे में आएगा। बीआरआई के तहत चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया और इसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे और मध्यम देशों में परियोजनाओं के ऋण जाल में तब्दील होने के आरोप लगे हैं। श्रीलंका तो चीन का कर्ज लौटाते डिफॉल्ट हो गया और अब पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर है। अगली खबर की बात करें जहां भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन में जाने वाले यात्रियों के नाम का हुआ सबसे बड़ा खुलासा, सामने आई तस्वीरें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को आज सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे जहां उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, केरल के सीएम पी विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन को इस साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। 2024 में मानव रहित परीक्षण उड़ान अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य है जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 दिवसीय गगनयान मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एडवांस में इन अंतरिक्ष यात्रियों को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां LSC पर स्पेशल गांव बसा रहा है चाइना, भारत की तैयारियां भी हुई तेज, वाइब्रेंट विलेज में मिलेंगी अब ये सुविधाएं। जी हां, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LSC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन सीमावर्ती इलाकों में लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है जो भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अब भारत भी चीन को सीधी टक्कर देने के मूड में है और सीमा पर बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है। LSC के आसपास चीन मॉडल विलेज बना रहा है जिसको टक्कर देने के लिए अब भारत ने वाइब्रेंट विलेज बनाना शुरू कर दिया है। इन गांव में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू किया है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LSC के आसपास 2019 से मॉडल विलेज बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि इसकी घोषणा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2018 में ही कर दी थी। चीन का दावा था कि इन मॉडल विलेज को सीमा के पास रहने वाले खानाबदोश लोगों को सुविधाजनक रहने की व्यवस्था करने के लिए बनाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये गांव दरअसल चीनी सेना को LSC के पास के निर्जन इलाके में स्टेंजिंग पॉइंट मुहैया कराते हैं। इन गांव में रहने के पक्के मकानों के अलावा खेल के मैदान, टेलीविजन सहित संचार की सभी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन भारत भी अपना दोस्तों पीछे नहीं है। लगातार भारत चीन को सीधा टक्कर देने के मूड में और सीमा पर बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है। ऐसे में आपकी जो भी इस पर राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां चीन के सामने कभी झुककर बात नहीं की, WITT सत्ता सम्मेलन में राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा बयान। जी हां, TV9 नेटवर्क के WITT सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत कभी भी किसी के आगे मस्तक नहीं झुका सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते हम हमेशा किसी भी मुल्क से शांति अपेक्षा रखते हैं, लेकिन आत्मरक्षा में करारा जवाब देने के लिए हमारी सेना हमेशा तैयार भी रहती है। हम हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी जी की डिनर पॉलिटिक्स से हो गया बड़ा खेला। समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, पवन पांडे समेत इन 7 विधायकों ने BJP को दिया वोट। जी हां, यूपी की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतार दिए। BJP के इस कदम के बाद से ही समाजवादी पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों में सेंध के कयास लगाए जाने लगे थे। जबकि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने की ओर है, होता भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने भी यह मान लिया है कि पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है। सुबह तक अपने 3 उम्मीदवारों की जीत के दावे करने वाली सपा अब अगर ये मान रही है कि उसके तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है तो उसके पीछे विधायकों की क्रॉस वोटिंग वजह है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर BJP के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान किया है। सूत्रों की माने तो सपा के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे और राकेश पांडे के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने BJP उम्मीदवार को वोट किया है। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले BJP और सपा दोनों ने ही अपने अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया था। BJP की ओर से कमान CM योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी तो वहीं सपा की ओर से मोर्चे पर अखिलेश यादव थे। CM योगी की डिनर पॉलिटिक्स में वोटिंग को लेकर पार्टी की रणनीति पर व्यापक मंथन हुआ और फिर मतदान से ठीक पहले इसके परिणाम भी नजर आने लगे तो वहीं अखिलेश यादव के डिनर से 8 विधायकों ने किनारा कर लिया। अब ये साफ संदेश था कि सपा फूट की ओर आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव ने कड़ी चेतावनी दी है कि बख्शा नहीं जाएगा, यानी ठीक नहीं होगा उसके साथ जो ऐसा करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों, क्या विपक्ष कितना भी जोर लगा ले योगी सरकार के विकास कार्यों को टक्कर दे पाएगी या नहीं कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी
आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।